जिंदगी का दूसरा नाम संघर्ष है। बिना संघर्ष के आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। आप ही बताइए कि क्या आपको कोई भी चीज़ आसानी से मिल जाता है, और वो जो चीज़ आसानी से मिलता है वो लंबे समय तक टिकता भी नहीं है। जिस चीज़ को आप संघर्ष से पाते हैं, मेहनत से पाते हैं, उसका चमक अलग ही होता है, उसकी खुशी अलग ही होती है। तो संघर्ष करने से मत घबराइए, मेहनत करने से मत घबराइए, हर दिन संघर्ष कीजिए। कभी कभी भगवान भी हम लोगों की परीक्षा लेते हैं। तो इसी पॉजिटिव थॉट के साथ मैं आज का ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ, और इस थॉट को अपने लाइफ में भी आप यूज़ करेंगे और अपने लाइफ में बदलाव देखेंगे। तो यहाँ पे मैं नोट्स बना रही हूँ, जो चैनल आपको प्रोवाइड की हूँ वहीं से मैं नोट्स बनाती हूँ पैडागॉजी के लिए। और बात यह है कि मैं किसी भी चीज़ को पहले खुद पे यूज़ करती हूँ कि वो बेनिफिशियल है कि नहीं है, उसके बाद ही आपको बताती हूँ कोई भी चीज़, ठीक है। तो जैसे कि इस चैनल के बारे में है, तो इसको पहले मैं 2 से 3 दिन में पहले खुद से पढ़ी, समझ में आया कि नहीं ये यूजफुल है, बताना चाहिए अपने फ्रेंड्स को, सब्सक्राइबर्स को, तो मैं आप लोगों को बताई। तो अब आप लोगों को बताना है कि हाँ आपके लिए कितना बेनिफिशियल है, आपके लिए कितना ये यूजफुल है। आप एक टारगेट बना लीजिए कि पहले आपको पैडागॉजी का नोट्स कंप्लीट करना है, उसके बाद दूसरे सब्जेक्ट को कंप्लीट करना है। तो इस तरह से क्या होगा कि आप कम टाइम में अपने सिलेबस को कवर कर लीजिएगा। तो एक टारगेट बनाइए, जैसे कि मैं पहले हिंदी का टारगेट रखी कि हिंदी कंप्लीट करना है, तो हिंदी का मैं नोट्स बना ली और उसको कंप्लीट कर ली। अब केवल रिविज़न करना रहा है, और विलोम शब्द हो गया, समानार्थी शब्द हो गया, पर्यायवाची शब्द हो गया, ये सबको पढ़ते रहना है और MCQ सॉल्व करना है। तो वो एक क्लियर हो गया माइंडसेट मेरा। उसके बाद अब पैडागॉजी पे हाथ लगाई हूँ, तो इसको यहाँ तक की हूँ कि अभी यूनिट 4 स्टार्ट की हूँ। यूनिट 1 कंप्लीट है और 2 मेरे पास उसका बुक है, मैं बुक से ही करूँगी और वो खुद से भी मैं कर सकती हूँ। तो यूनिट 2 को नहीं, उसका टेंशन है नहीं। और यूनिट 3 का को भी छोड़ दिया गया है, मैम ने भी वहाँ से छोड़ा है, और वो यूनिट 4 पढ़ा रही हैं। तो यूनिट 4 को अभी कवर कर रही हूँ मैं। तो आज का टारगेट तो है कंप्लीट करने का, तो देखते हैं कितना बजे तक मैं कर पाती हूँ कंप्लीट। और पढ़ने बैठी हूँ मैं 1:30 बजे, ठीक है, मैं बता देती हूँ 1:30 बजे पढ़ने बैठी हूँ, लिख रही हूँ और देखती हूँ मैं कब तक लिख पाती हूँ। तो ब्लॉग में अंत तक बने रहिएगा। और ये जो टॉपिक है जो मैम पढ़ा रही हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप टीचर बनने जा रहे हैं तो आपके पास ये नॉलेज होना चाहिए। और अगर KVS को सिलेबस प्रोवाइड की है तो ये कुछ सोच कर ही की होगी, ताकि अगर आप टीचर बन रहे हैं तो आपके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होने चाहिए ये सब आपको पता होना चाहिए। क्योंकि अब पढ़ना नहीं है, पढ़ाने का समय है। तो एज ए टीचर आप क्या आप में नॉलेज है, बच्चे को किस तरह पढ़ाइएगा, ये सब वो टेस्ट करेगी, ठीक है। तो यह जो सिलेबस आपका दिया हुआ है, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन या लीडरशिप जो भी है इसका टाइटल, उसमें बहुत अच्छे से टाइम टेबल का इंपॉर्टेंस क्या है, टीचर का टाइम टेबल का क्या इंपॉर्टेंस है, फिर कैलेंडर का क्या इंपॉर्टेंस है, बहुत कुछ इसमें दिया हुआ है, ठीक है। और मैम टू द पॉइंट ही पढ़ा रही है, सिलेबस से ही पढ़ा रही है। तो आप बिल्कुल पहले नोट्स बनाइए, ठीक है, आप उसको जितना दिन बना सकते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। अगर आपके पास अच्छा खासा टाइम है, आपका बेबी हैंडल हो जाता है किसी न किसी के जरिए और आप थोड़ा सा फ्री फील करती हैं, तो पहले आप नोट्स कंप्लीट कीजिए, ठीक है, ज़्यादा दिन नहीं लगेगा। आप चाहें तो 2 से 3 दिन के अंदर आप नोट्स पूरा कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। और जो जिनके पास बेबी नहीं है वो तो और जल्दी कंप्लीट कर सकते हैं, उनका टाइम ही टाइम है उनके पास थोड़ा बहुत काम करने के बाद। तो इस तरह से आप कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि देखिए आप पहले नोट्स अगर बना लेते हैं तो आपका माइंड एक रिलैक्स हो जाएगा कि आपको उतना ही पढ़ना है। और इसके बाद क्या करना है कि मैम मैराथन भी ला रही हैं, ठीक है, जैसे कि जो भी आपका एग्ज़ाम में आएगा क्वेश्चन उसको डील करना है। तो अभी आपको वो सब नहीं करना है, मैं यहाँ आपको तरीका बताती हूँ जो मैं खुद फॉलो करूँगी, वही मैं आपको बताऊँगी। सबसे पहले उनका नोट्स लिखिए, ठीक है, जो पढ़ा रही हैं सो पहले नोट्स लिखिए, और जो जितने भी बीच में वो क्वेश्चन बताती हैं उसको भी वहीं पर छोड़ दीजिए। मैराथन जो आएगा सबको वहीं पर छोड़िए, पहले आपका थ्योरी कम्प्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप क्या कीजिएगा, जब भी आप कुछ काम करते रहिएगा तो आप सुन सुन के आप उसको कवर कर सकते हैं, उसको लिखना नहीं है। अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं, अदरवाइज नहीं लिखना है, ठीक है, उसको बार बार सुनते रहिएगा।
सबसे पहले नोट्स बना लीजिए आप, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिएगा, क्योंकि अगर आपके पास मटेरियल नहीं रहेगा तो आप सॉल्व कहाँ से कर पाइएगा। और एक कमेंट मेरे पास आया था कि अभी तक उन्होंने तैयारी शुरू भी नहीं की है। बहुत देखिए हो जाता है कन्फ्यूजन के कारण होता है कि क्या पढ़ें नहीं पढ़ें, अरे एग्ज़ाम अब है तब है, जिस कारण से तैयारी नहीं कर पाते हैं। तो मेरा यही सजेशन रहेगा उनको कि अभी भी देर नहीं हुई है, ठीक है। रहा सिलेबस कवर करने का सवाल, तो अभी तक हम लोग का भी सिलेबस कवर नहीं हुआ है, ठीक है। जैसे हो रहा है वैसे करते जा रहे हैं हम लोग, तो आप अभी जहाँ से हैं वहीं से स्टार्ट कीजिए। और अगर आपको वे नहीं पता है तो आप मेरे ब्लॉग को फॉलो कर सकते हैं, केवीएस के बाद जब से भी वीडियो बन रहा है उसको आप फॉलो करते जाइए डेली डेली, तो आपको पता चलेगा तैयारी कैसे करना है, कहाँ से मटेरियल लेना है, कौन सा बुक लिस्ट फॉलो करना है, नोट्स कैसे बनाना, ईच एंड एवरीथिंग आपको पता चल जाएगा। तो नोट्स बना लेने के बाद मैं रिवीजन हाथ के हाथ रिवीजन भी कर लूँगी साथ में, क्योंकि फिर अलग से एक होता है कि फिर उसको अलग से रिवीजन करना मेरे लिए टफ हो जाता है, तो मैं साथ में रिवीजन भी कर लूँगी। तो इसे क्या होगा पता चलेगा कि हाँ क्या मैम ने पढ़ाया है, या कहीं से भी आप किसी का भी नोट्स बनाइए, मैं यहीं के बारे में नहीं बोलूँगी, कहीं से भी बनाइए आप, खुद से भी बना रहे हैं अगर आप तो उसको ज़रूर पढ़िए, साथ में जैसे लिखा आपने उसको तुरंत पढ़िए आप, तो उससे आपके कॉन्सेप्ट है वो जो क्लियर हो जाएगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज का मेरा पूरा दिन निकल गया नोट्स बनाने में ही, पूरा दिन निकल गया, और अभी तक मैं टाइम नहीं देखी हूँ कि कितना बजा है, क्योंकि इतना मैं इन्वॉल्व हो गई लिखने में कि बस माइंड में था कि इसको कंप्लीट करना है, क्योंकि कुछ कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको डीपली समझना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तो बस आज का दिन उसी में निकल गया, नोट्स बनाना, रिविज़न करना, और उसके बाद उसको समझना, सिलेबस को भी समझना। आप जब भी पढ़ने बैठते हैं तो सिलेबस को ज़रूर पढ़िए, ये मत सोचिए कि हाँ आपको पता है कि सिलेबस में क्या लिखा हुआ है तो हर समय पढ़ने का क्या ज़रूरत है, नहीं। जब भी आप पढ़ने बैठते हैं तो सिलेबस को पढ़िए, उससे आपका जो है विज़न वो क्लियर रहेगा कि हाँ आपको ये पढ़ना है, आपका ये आ सकता है सिलेबस में है तो ये टॉपिक आपको पढ़ना है। इससे क्या होगा कि आप बेकार की चीज़ों से बचिएगा। सपोज दैट कि आपका टॉपिक में है लीडरशिप और कहीं आप पढ़ रहे हैं वहाँ लीडरशिप का कोई जिक्र ही नहीं है, तो उससे आप बच जाइएगा अगर आपको सिलेबस आपका पता रहेगा तो सिलेबस को कभी भी ना छोड़ें। मैं तो हर वक्त जब भी मैं पढ़ने बैठती हूँ सिलेबस को ज़रूर पढ़ती हूँ पहले कि सिलेबस में आखिर दिया क्या गया है ना। सिलेबस को समझिए कि बाइबल की गीता की तरह पढ़ना है आपको, अच्छे से पढ़ना है, बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि जो आपका एग्ज़ाम है वो सिलेबस पे ही आपका निकलता है एग्ज़ाम, तो सिलेबस को अच्छे से पढ़िए। तो अब मैं पढ़ाई को यहीं पर कम्प्लीट करूँगी और आपको मैं टाइम दिखाती हूँ। अब देखिए 5 बजने वाला है और पता भी नहीं चला कि 5 कब बज गया, लिखने में, समझने में, पढ़ने में। तो बस इसी तरह से कभी कभी टाइम मिल जाता है पढ़ने का तो पढ़ लेती हूँ, और कभी कभी कम टाइम मिलता है तो उसमें भी पढ़ लेती हूँ, लेकिन कोशिश करती हूँ कि मैं डिमोटिवेट ना हूँ। ऐसी बात नहीं है कि मैं डिमोटिवेट नहीं होती हूँ, मैं भी होती हूँ, लेकिन फिर सोचती हूँ खुद के बारे में कि मैं अगर स्टार्ट कर दी हूँ तो मुझे रुकना नहीं है, चलते जाना है। और अब इसको अब ये भी उठ गई है तो इसको उठा रही हूँ थोड़ा प्यार से, थोड़ा सा बात करते हुए, क्योंकि जनरली बच्चे रोते हुए ही उठते हैं, तो थोड़ा सा उसको प्यार कीजिएगा, अच्छे से बोलिएगा तो बच्चे नॉर्मल हो जाते हैं। तो बस यही बात है, ये भी रोते हुए ही उठी थी, अब देखिए इसे बात कर रही है तो ये भी नॉर्मल है अपना। अब इसके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करूँगी। तो बताइएगा आपको ब्लॉग कैसा लगता है, ब्लॉग देखने के बाद आप कितना मोटिवेट होते हैं। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे करूँगी एंड, अगर ब्लॉग पसंद आया है आपके लिए थोड़ा सा ही मोटिवेशनल रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं अगर पहली बार इस ब्लॉग को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलूंगी ऐसे ही और पॉजिटिव ब्लॉग के साथ, पॉजिटिविटी के साथ, और आपको मोटिवेट करने की कोशिश करूंगी अपने डेली ब्लॉग के जरिए। तो बस आपको यही एक बात कहना चाहूंगी कि देखिए लाइफ में सबके लिए मुश्किल है, सबका मुश्किल अलग अलग होता है, लेकिन मुश्किल सबके लाइफ में है और उसको क्रॉस करते जाना ही हम लोगों का लक्ष्य होना चाहिए, ठीक है। तो हर दिन अपना मेहनत कीजिए, मेहनत से मत घबराइए, मेहनत करते रहिए और एक दिन ऐसा आएगा कि आपका जो गोल है वो फुलफिल हो जाएगा। तो चलिए इस ब्लॉग को मैं ही प्रिंट करूँगी। अब देखिए सो के उठी है अभी जस्ट, तो इसको मैं नहाई भी थी, ठंड थोड़ा कम है तो उसको नहा दी थी, और अभी ये सो के उठी है तो अब इसको थोड़ा सा टाइम देना बहुत इंपॉर्टेंट है, और टाइम भी हो गया है, 5 पूरा बज गया है, 5 बज चुका है। तो चलिए मिलूंगी नए ब्लॉग के साथ।